जब तक बहनें सबल नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी, आत्मनिर्भर नहीं होंगी, आत्मविश्वास से भरी नहीं होंगी, तब तक ना तो कोई देश बन सकता है ना कोई प्रदेश बन सकता है। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि बहनों और बेटियों का कितना सम्मान था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां बहन बेटी की इज्जत मान और सम्मान होता है वहीं भगवान निवास करते हैं, यह हमारे ऋषियों ने कहा, यह हमारे पूर्वजों ने कहा। लेकिन बीच के कालखंड में शायद गुलामी के कारण, परतंत्रता के कारण और मुगल काल में विशेष परिस्थितियों के कारण बहनों का वो मान सम्मान कम होता चला गया। अब मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, उसका एक ही उदाहरण देखना हो तो बेटे जन्म ज्यादा लेते हैं, बेटियां पैदा कम होती है। बीच में स्थिति बहुत भयावह हो गई थी, 1000 बेटों पर 911-12 बेटियां जन्म ले रही थी और तब हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि लाडली लक्ष्मी योजना ने चमत्कार किया है और अब बेटा और बेटी के जन्म का अनुपात बदलने लगा है। ये बेटियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक लाडली लक्ष्मी योजना से काम नहीं चलेगा। उसने कुछ महत्वपूर्ण फैसले बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमने किए। हमने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में, ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, सब जगह बहनों के लिए। और इसलिए चुन के आने वाली बहनों की संख्या जो पहले कभी नगण्य हुआ करती थी वो अब बढ़कर 57-58% हो गई। ये राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ बहनों का। दूसरी हमने कोशिश की शासकीय सेवाओं में आरक्षण 50% दिया शिक्षकों की भर्ती में, 30% दिया पुलिस की भर्ती में। बड़ा विरोध हुआ उस समय कि पुलिस में 30% बेटियां क्या करेंगी, अपराधियों से कैसे निपटेंगी। लेकिन हमारी पुलिस में जो बेटियां गई उन्हें बड़ी बहादुरी के साथ काम किया। योजनाएं कई है, आप जानती है मेरी बहनों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, बेटी के पैदा होने से लेके, पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, स्कॉलरशिप की योजनाएं, फिर 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी योजना, उसका लाभ 5000 रुपया पाए, शहर में प्रतिभा किरण योजना जिसमें 5000 रुपया पाए, लाडली लक्ष्मी बेटियों को अलग अलग 5वीं पास करके 6वीं 7-8 8वीं पास करके 9वीं अलग अलग राशि देने की व्यवस्था। अब कॉलेज में जाए तो 12,500, डिग्री प्राप्त करे तो फिर 12,500, और अब तो ये भी तय कर लिया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जाए तो वो फीस भी मैं भरवाऊंगा। बेटियों की शादी की योजना भी इसलिए शुरू की कि बेटी बोझ ना मानी जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और बेटी शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने की अलग व्यवस्था, प्रसूति सहायता। तो अगर आप देखेंगे तो इतनी योजनाएं बनाई बहन के सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, कि गिनाऊंगा तो पूरा दिन लग सकता है। ये तो कुछ योजनाएं मैंने आपको बताई, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बेचैनी थी। मैं गांव में, शहरों में, गरीब घरों की मेरी बहनें मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से, किसान परिवारों से आने वाली, मजदूर परिवारों से आने वाली बहनों की हालत देखता था तो मन में बहुत बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे
उनकी जिंदगी में प्रसन्नता नाम की कोई चीज नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए वो परेशान रहते थे। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में मैंने अत्यंत पिछड़ी जनजाति बेगा भारिया सहरिया उन बहनों को तय किया कि 1,000 रुपया महीना देंगे ताकि उनकी घर की छोटी जरूरतें पूरी हो सके और अपने बच्चों का भी बेहतर ख्याल रख सके। फल सब्जी दूध दाल और कोई सामान की जरूरत हो वो उपलब्ध करा सके। 17 में मैंने देना शुरू किया। 18 में के अंत में मेरी सरकार नहीं रही तो 19 में वो बंद हो गई 1,000 रुपया की राशि। मैं जब फिर से सरकार में आया तो मैंने वो राशि फिर से देना शुरू कर दी। लेकिन फिर मुझे लगा कि बेगा भारिया और सहरिया तो ठीक है, बाकी बहनों को भी क्यों ये राशि नहीं देनी, क्योंकि मैंने उन बहनों को देखा वो आत्मविश्वास से भर गई जब 1,000 रुपया महीने मिला। ये साधारण बात नहीं है उनके लिए, जरूरत पड़ी उन्होंने पैसा अच्छे काम में खर्च किया। वो केवल पति पे भी अवलंबित नहीं रही कि 25 रुपया की जरूरत है तो भी पतिदेव दे दो मुझे, वो अपने पांव पे खड़ी हुई तो आत्मविश्वास आया कि नहीं मेरे पास भी है। और उसके कारण घर में इज्जत भी बढ़ी। और इसलिए मेरे मन को यह लगा कि सब बहनों को ये राशि अगर मिले जो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय है तो उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ग्राम सभा में बैठे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसलिए मेरे दिल से निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, एक दर्द एक तड़फ एक पीड़ा मेरे मन में थी कि मैं अपनी बहनों की स्थिति और कैसे ठीक करूं। और फिर मुझे लगा कि हर बहन के खाते में अगर ये जाएगा तो निश्चित तौर पर हालत बदलेगी। और इसलिए ये योजना केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और आप देख लेना आज कर रहा हूं मैं, लाडली लक्ष्मी योजना जैसे पॉपुलर होकर बाद में पूरे देश में गई, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना भी वैसे ही होगी, आप देख लेना। ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। 1,000 रुपया महीना अगर है तो छोटी मोटी जरूरत पूरी होगी, बच्चों की जरूरत वो पूरी करेंगी, पैसा बचा के रखेंगे तो कई बार घर की जरूरत हुई पतिदेव को जरूरत पड़ी तो वो भी पूरी कर देंगे, पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और एक आत्मविश्वास जो उनके मन में आएगा कि नहीं मेरे पास है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूं। और इसलिए आज अपनी बहनों को भी संबोधित कर रहा हूं और सभी ग्रामवासियों से कह रहा हूं, यह योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, इसको सफल बनाने में मुझे सहयोग दीजिए। यह अकेला मेरा काम नहीं है, यह हम सब का मिलकर काम है। योजना की पात्रता आप जानते हैं, इसमें केवल 3 चीजें हैं, 2,50,000 रुपया सालाना से आय कम हो, 5 एकड़ से जमीन कम हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में ना हो, सरकारी नौकरी में ना हो, कोई 4-व्हीलर 4-पहिया वाहन ना हो, मोटरसाइकिल चलेगी क्योंकि वो तो हर घर में, लेकिन 4-पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई विधायक सांसद सरपंच उतना हमने छोड़ा है तो वो ना हो, पंच और उप सरपंच उनके यहां उनको पैसा मिलेगा। कोई निगम मंडल बोर्ड सरकारी उसके सदस्य ना हो, और 23 साल से लेकर 60 साल तक की विवाहित बहनें जो अपनी ससुराल जाती है, ये आप सबकी जानकारी में मैं केवल दोहरा रहा हूं।
ये सब पात्र है, कोई भी जाति समाज की हो, इसमें कोई भेद नहीं है। मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता कि फलानी जाति की, निमकी जाति की, सब बहनें मेरे लिए देवी का स्वरूप है और मैं हृदय से उनका सम्मान करता हूं। अब फॉर्म भरने के लिए, चूंकि आप सबकी जानकारी में रहे, केवल तीन जानकारी चाहिए, एक बहन की या उनके परिवार की समग्र आईडी, दूसरे उनका आधार नंबर, और तीसरा समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो आपसे जो मैं मदद मांग रहा हूं, चाहे हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो पंचायतों के, या मेरे सरकारी कर्मचारी अधिकारी मेरे भाई बहन हो, कि आप अगर किसी को पास कोई इनमें से कोई चीज नहीं है तो उनको सहयोग प्रदान करें, ताकि वो मिल जाए, उनको बन जाए और उनका आवेदन ठीक से भर जाए। आपकी जानकारी है कि योजना बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई, तो बहनें बड़ी संख्या में आ रही हैं। तो एक तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में आप ये तय कर लें कि एक साथ बहुत बहनें ना आए। ग्राम पंचायत के हर गांव में लग रहा है शिविर, और अपने पास महीना भर पड़ा हुआ है। अभी आज 2 तारीख है, 30 अप्रैल तक भरेंगे, कोई रह गया तो 30 अप्रैल के बाद भी भर देंगे, लेकिन 30 अप्रैल अभी तारीख है। एक साथ भीड़ लगी है, गर्मी में पसीना पसीना हो रही है, वो स्थिति ना बनने दें। आप टोकन दें और एक दिन में 25-25 बहन बुलाओ ना, 25 बुलाओ, 30 बुलाओ, जितने आवेदन आसानी से भर जाए, ताकि बाकी बहनें अपने घर में काम करती रहें, क्यों परेशान हो लंबी लाइन लगा के। दूसरी पंचायतों से मेरा आग्रह है कि जहां फॉर्म भरा रहा है गांव में, अब बैठने की उचित छायादार व्यवस्था कर दें, क्योंकि गर्मी के दिन है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दें। अभी तो पंचायत कर सकती है, करना चाहिए ये। अब वो लाइन में बैठी और फिर पानी पीने घर जाए, या धूप में बैठी और पसीना पसीना हो जाए, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए बैठने की उचित व्यवस्था छाया में, और पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको सहयोग देना चाहिए हमको, जो अब एक टीम निकल सकती गांव में, जो पढ़ी लिखी है, उनका आवेदन भरवाने में वैसे तो हमारे कर्मचारी साथी करवा लेंगे, लेकिन सहयोग के लिए घर से उनके ले आए, या फॉर्म घर से ही भर के ले आए, वहां केवल फीड करना है अपन को, फोटो वही जरूर खींचेगी। तो एक मेरी सब पंचायतों से ये व्यवस्था करने की अपील है। कलेक्टर्स भी देखेंगे कि हर पंचायत में ठीक से बैठने की, पीने के पानी की, कई जगह अगर अतिरिक्त व्यवस्था हो जाए तो कोई चाय करा दे, चाय पिलवा दे, कोई शरबत पिलवा दे। उसके साथ साथ कुछ चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। ईकेवाईसी होना है तो हर ईकेवाईसी के लिए हमने 15 रुपया दिए सरकार की तरफ से, हमने दिए ताकि बहने परेशान ना हो, उनसे पैसा कोई ना ले। आप ध्यान रखना, आपके यहां अगर कोई ने पैसा ऐसा वसूलने की कोशिश की तो सीधे बता देना, FIR करके जेल भिजवा देना। कुछ जगह कॉमन सर्विस सेंटर पे इक्का दुक्का जगह शुरू हुआ था। ईकेवाईसी कराने में जो पैसा लग रहा है उसको हम भर रहे हैं, इसलिए महिलाओं से कोई राशि ना ले पाए। और ये सब चीजें वहां हर जगह जहां आवेदन भरा रहे हैं, गांव में 2-4 जगह जहां आवेदन भरा रहे हैं, वो फ्लैक्स लगा रहे हैं हमारा, इसमें लिखा रहे ईकेवाईसी फ्री हो रही है। कुछ जगह किया है जिलों में, तो ऐसी जो इन इन चीजों की जरूरत है ये लिखवा दे वहां, तो भटके नहीं। तो ये प्रचार बहुत जरूरी है, हर केंद्र पर देख लेना। मेरा ये भी अनुरोध है आपसे
कि आप अपने वार्ड में, अपने पंचायत में सभी पात्र बहनों की जानकारी, अपात्र ना भरें, देखो कोई 23 साल से कम उम्र है वो भरे, किसी की पात्रता नहीं बनती जो मैंने पात्रता बताई है, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो फार्म भर दे, इनकम टैक्स देते हैं वो भर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या को अनावश्यक परेशान उनका नहीं होगा, तो वो जानकारी रहे। अगर किसी गांव में EKYC की सुविधा नहीं है तो सरकार वहां EKYC का विशेष कैंप भी लगाएगी, कलेक्टर ध्यान रखे, जहां नेटवर्क नहीं है, तो और जहां नेटवर्क नहीं है यहां जहां है वहां को हम भाई लगा देंगे EKYC कैंप, और जहां नहीं है वहां उन क्षेत्र की बहनों की EKYC बनवाने के लिए केंद्र में सरकार ले जाएगी, हम ले जाएंगे, कलेक्टर्स देख लेंगे कि वाहन की व्यवस्था करवा के ले जाना है, वो बहनों को गाड़ी करके जाना पड़े ये भी नहीं होना चाहिए। और EKYC इसलिए करा रहे हैं कि बहनों के खाते में ही पैसा जाए और कहीं पैसा ना जाए, इसलिए EKYC जरूरी है। और इसलिए मैं सब बहनों से कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहे, आपकी चिंता हमारी है। अब इस काम में आप मदद सबकी लें, पढ़े लिखे बेटे बेटी होंगे उनकी मदद लें, चुनी हुई हमारी व्यवस्था है उनकी मदद लें, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी मदद लें, सरकारी अमला तो लगे गई। मैं सब भाई और बहनों से कह रहा हूं कि हर पंचायत के हर गांव में शिविर लगवाए जा रहे हैं, इसलिए आवेदन भरवाने में भाई सहयोग करें, कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार मैं बता दूं कि कहीं कोई दिक्कत आपको ना है, कई जगह समय भी अलग अलग किया है, रात्रि में भी कई जगह, कल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो बोले साहब हमारे यहां तो रात के 9 बजे तक भरने दो, आप 9 बजे तक भरो, दोपहर में छुट्टी कर दो, सवेरे भरवा लो जल्दी, आपको जैसी सुविधा हो पंचायत में वैसा टाइम तय कर लें, कलेक्टर के ध्यान में रहना चाहिए कि किस पंचायत में कितने बजे से कितने बजे तक शिविर लगाए जा रहे हैं। कोई बहन अगर आवेदन नहीं भर पाए तो वो बिल्कुल चिंता नहीं करे, कैंप के अलावा ग्राम पंचायत में ही भरा जा सकता है, उसकी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बहनों के खाते जरूर खुल जाए और उसे आधार से लिंक करवा लें। तो ये नीचे जो हमारा अमला है उसको ट्रेनिंग दी गई, वो देख रहे हैं, कलेक्टर इसकी चिंता कर रहे हैं, आप सघन रूप से जो साथी हमारे सक्रिय हैं वो ये प्रयास करें कि हर बहन का बैंक खाता खुल जाए। जिस गांव में नेटवर्क नहीं, मैंने बताई दिया कि दूसरे गांव में जाके आपको सरकार ही ले जाएगी, तो उसकी सूची बन जाए कि इन किन को पात्र बहने हैं उनको ले जाके आप दूसरे गांव में भरवा दें। फिर पैम्फलेट का वितरण लोकगीतों के माध्यम से प्रचार कर जाएंगे, बहुत अच्छे लोकगीत स्थानीय भाषाओं में बन गए तो वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग लोकगीत बन जाए, भजन बन जाए जो इस योजना का प्रचार करे, कई जगह मुनादी करके डॉन पिटवा के भी प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको भी हमको करना चाहिए। मॉनिटरिंग के काम में मेरी टीम भी यहां से लगी है, कलेक्टर भी लगे हैं। मैं एक बार फिर सभी बहनों और भाइयों से ये निवेदन कर रहा हूं कि इस योजना में बहनों को परेशानी ना हो, और बहनों से भी कह रहा हूं बिल्कुल परेशान मत होना, आपका आवेदन पात्र है तो भरा ही जाएगा, इसलिए कोई बहुत जल्दी की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल भरेगा, परसों भरेगा, समय अपने पास है। ये आवेदन 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भरे जाएंगे, कोई आपात रह गया तो हम उसको भी देख लेंगे, उसके बाद एक सूची प्रकाशित की जाएगी जिसमें आवेदन जो हैं उनके नाम होंगे, अगर उस पर कोई आपत्ति लगाएगा तो यह जांच करके की जाएगी, कोई अपात्र होगा तो उनका नाम नहीं होगा, लेकिन एक सूची जांच करके वहां चस्पा की जाएगी, चिपकाई जाएगी, ग्राम पंचायत कार्यालय में या जहां भी उपयुक्त स्थान होगा। और उसके बाद 15 दिन तक अगर किसी को आपत्ति है तो ऑनलाइन अथवा पंचायत में लिखित देकर वो आपत्ति लगा सकता है, 181 पर भी वो आपत्ति लगा सकता है। 15 से 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा, 31 मई को अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी,
और जून के महीने में, अभी सामान्यता 10 जून सोचा है कि ये राशि की पहली किस्त बहनों के खाते में, पात्र बहनों के खाते में पहुंच जाएगी। मैंने आज इसलिए एक बार ग्राम सभा को जोड़ा कि बड़ी सभाओं में कई बार हर बात हम समझ नहीं पाते, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे विशेष रूप से बात कर लूं। मेरा सरपंच भाइयों बहनों से निवेदन है कि चुनाव में कोई वोट देता है कोई नहीं देता तो वो ऐसे पैमाने मत रखना। मेरी तो सब बहनें हैं और बहनें लाडली हैं, तो जो पात्र है सबके आवेदन भर जाएं। मैं अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि, गांव के बुजुर्ग बार, गांव के सक्रिय नौजवान, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीएम जनसेवा मित्र, हमारे पेशा कोऑर्डिनेटर, जन अभियान परिषद के हमारे साथी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, अलग अलग बड़ी संख्या है, उनसे भी अपील करता हूं वो पूरा इसमें सहयोग करें। ये सेवा का काम है। और बहनों से मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि बिल्कुल परेशान ना हो, आपका आवेदन भरा जाएगा, आप पात्र हैं तो आपका ये भाई राशि आपके खाते में पहुंचाएगा और ये राशि निश्चित तौर से आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, सभी परिजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस काम में लगे हुए सभी भाई बहनों को, क्योंकि मैंने कई मित्र ऐसे देखे हैं कि अगर एक जगह कनेक्टिविटी नहीं मिल रही तो पहाड़ में चढ़ के और वहां आवेदन भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची भी कलेक्टर जरूर बनवाए जो विषम परिस्थितियों में जाके काम कर रहे हैं, ताकि बाद में उनको हम प्रशंसा पत्र दे सकें, सम्मानित कर सकें। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं कई लोग, इसलिए सब लोग इस काम में जुट के, एक तरह से ये बहनों की जिंदगी बदलने का यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी आहुति भी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।